हाय फ्रेंड, आज मैं दम आलू बनाने जा रही हूँ। ये है आलू जो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये कुछ खड़े मसाले, इसमें है लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और जीरा। और ये है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इसको मैं अभी पीसूँगी। ये सरसों का तेल है, ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। सरसों का तेल या रिफाइन भी यूज कर सकते हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं, तब तक मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें डालूंगी ये सारे खड़े मसाले। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। इसका मैं पेस्ट बना दूंगी। आलू फ्राई हो चुकी है और मैं इसको निकाल दूंगी। फ्रेंड, ये आलू मैंने फ्राई कर लिए, ये मैंने पेस्ट बना के रखी है और मैं इसको छान लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्ट छान लिया है। ये देखिए आप, ये निकलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ। मैं अब इसमें डालूंगी खोया। अगर आपके यहाँ खोया नहीं है तो आप काजू भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें खोया डालती हूँ। अब इसको अच्छे से भूनना है, जब तक ये मसाला तेल नहीं छूटता। देखिए, मसाला तैयार हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालना चाहिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको सब्जी कितनी डाली रखनी है, कितनी कटनी करनी है। मैं अभी इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। अब इसमें 1 बॉयल आने पे नमक डालूंगी और दम आलू मसाला डालूंगी। तो फ्रेंड, देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी दम आलू का मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। मैं गैस सिम पे कर दूंगी और इसको मैं ढक के रखूंगी। इसको धीरे धीरे पकने दूंगी। अच्छी लग रही है, खाने के बाद पता चलेगा, मेरी फैमिली बताएगी ये कैसी बनी हुई है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।